अस्सलाम वालेकुम 99 न्यूज। अलमुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जेर इंतजाम चलने वाला इदारा माई होम अलमुस्तफ़ा यतीम बच्चों ने मजार कायद आजम पर हाजिरी दी और फातह खानी की। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों ने सलामी और परेड पेश की। बच्चों ने कायद आजम म्यूजियम का दौरा किया और कायद आजम के जेर इस्तेमाल चीजों का मुआयना किया। बच्चों को कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत और इनके रहनुमा उसूलों के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर अलमुस्तफ़ा के सदर डॉक्टर अब्दुल रहीम, जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा तैयब, अब्दुल गफ्फार सईदी, कर्नल इनायतुल्लाह दुरानी, सैयद मोहम्मद शकील अशरफ, सुफियान मीमन, मोहम्मद जुनेद इकबाल भंगड़ा, डॉक्टर जुल्फिकार आरई, हमीदुल्ला खान नूरी, बशीर शेख, मोहम्मद कमाल, शकीर कादरी दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर अब्दुल रहीम ने कहा कि माई होम के यतीम बच्चों की खिदमत हमारे लिए एजाज़ से कम नहीं है। ये बच्चे हमारे माशरे का हिस्सा हैं, इनकी खिदमत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अहमद रजा फैयब ने बताया कि इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखा गया है। इनकी तालीम व तरबियत, जहनी व जस्मानी नशोनुमा, घुमाने फिराने का इंतज़ाम समेत तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है।